हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम आरआरबी जेई एंड एनडीपीसी सिंपल इंटरेस्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ये करने से पहले हम कुछ यहाँ पे हम क्या करते हैं, फॉर्मूले जान लेते हैं। फॉर्मूले से आपका बेस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे सिंपल इंटरेस्ट में कितने फॉर्मूले हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहां पे एक फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी क्या होता है हमारा, प्रिंसिपल होता है, और आर क्या होता है हमारा, रेट होता है, और टी क्या होता है हमारा, टाइम होता है, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे कि यहां पे अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो, रेट निकालना हो, टाइम निकालना हो, तो एक ही फॉर्मूले से आप पूरा फॉर्मूले याद रख सकते हैं। अब देखिए यहां पे सबसे पहले क्या याद रखना है, यहां पे कि यहां पे एक फॉर्मूले आपको याद रखना होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है, ठीक है। ये तो आपको इजिली याद रहेगा। अब यहां पे प्रिंसिपल पूछ दे तो क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन में क्या करना है, जो यहां पे आया हुआ है उसको छोड़ के, जैसे प्री पी आया है तो यहां पे आर और टी रहेगा, आर इंटू टी हो जाएगा, समझ में आ गया। अब दूसरा क्या होगा, फिर यहां पे भी सिंपल इंटरेस्ट इंटू हमारा 100 हो जाएगा, और अपॉन में क्या आएगा, आर यहां पे है तो आर आया हुआ है तो पी इंटू टी हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आप इजिली रख सकते हैं याद। फिर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 टाइम का फॉर्मूला, तो टी यहां पे आया हुआ है तो पी और आर बच जाएगा, तो पी इंटू आर हो जाएगा हमारा। तो ये आप तो इजिली फॉर्मूले इसको याद रख सकते हैं बहुत अच्छे से, है कि नहीं है आसान। तो यही इतने फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा। तो इससे आपका क्या होगा कि क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। चलिए एक ही फॉर्मूले आपको याद रखना है, और इससे इसके ट्रिक से हमारा ये तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, राही डिपॉजिटेड आरएस 600 इन अ बैंक दैट प्रॉमिस 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। इफ राही केप्ट द मनी विद बैंक फॉर 5 ईयर्स सी विल अर्न एन इंटरेस्ट ऑफ। राही ने एक बैंक में 600 रुपए जमा किए, जिसने 8% वार्षिक साधारण ब्याज देने का वादा किया था। यदि राही 5 वर्षों तक बैंक में पैसा रखती है तो कितना ब्याज मिलेगा। अब समझिए यहाँ पे राही ने क्या किया है, इसका क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, 600 प्रिंसिपल हो जाएगा। आगे ये हमारा रेट दिया हुआ है, किस रेट से, 8% के रेट से दिया हुआ है, ठीक है। रेट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये समझना जरूरी है आपको। टाइम कितना दिया है, 5 वर्ष दिया है, ये टाइम हमारा हो गया। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बताना है कि कितना होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे अभी आपको याद करवाया कि पी इंटू आर इंटू टी हो जाएगा, और अपॉन में हमारा 100 हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट का ही तो पूछा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा हमारा, तो आप बोलेंगे 600 प्रिंसिपल हो जाएगा, तो 600 प्रिंसिपल हो जाएगा। किस रेट से दिया है, तो 8% के रेट से दिया है, और यहाँ पे हमारा किस परसेंट, कौन सा 8% के वार्षिक साधारण ब्याज देने का वादा किया था बैंक ने, ठीक है, तो 8%। और टाइम कितना दिया है, यहाँ पे 5 ईयर उसने रखा, और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारा, 100 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगा, 8 × 5 = 40, और 40 × 6 = 24, मतलब कि कितना हो जाएगा, 240 हमारा आरएस हमारा आंसर आ जाएगा। तो 240 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है, तो देखें यहाँ पे ई ऑप्शन में दिया है, जो कि करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी एलपी एंड टेक 14, कब आया है, 14/8/2018 में आया है, शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। समझ में आया कि नहीं, तो इतना आसान क्वेश्चन है, जबकि बहुत सारे ने इसी एग्जाम में क्या होता है कि बहुत सारे एग्जाम में स्टूडेंट लोगों को फॉर्मूले याद नहीं रहते, लेकिन यहाँ पे आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसी के तरीके से आप पूरा फॉर्मूले बना सकते हैं। मैंने अभी आपको याद करने का भी ट्रिक बताया कि किस तरीके से फॉर्मूले बनाना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर टू देखेंगे। क्वेश्चन नंबर टू में क्या दिया है, यहां पे देखिए, व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ऑन आरएस 2404 इयर्स 6 मंथ एट द रेट ऑफ 4.5 पर एनम। अब क्या है, रुपए पर अर्जित साधारण ब्याज क्या है, 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 साल 6 महीने में 2400 रुपए। अब समझिए यहां पे हमारा प्रिंसिपल क्या दिया है, तो यहां पे देखिए प्रिंसिपल दिया हुआ है और यहां पे किस परसेंट से किस रेट से दिया है, 4.5, और यहां पे टाइम कितना दिया है, 4 साल 6 महीने। तो आपको पता है कि यहां पे देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 2400। रेट किया क्या दिया है, तो आप बोलेंगे 4.5, और टाइम क्या दिया है, तो आप बोलेंगे 4 साल 4 ईयर 6 मंथ टाइम दिया है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, तो यहां पे क्या कर लेंगे हम, देखिए यहां पे टाइम को 4 साल है तो 12 चौके 48 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, 54, और यहां पे हम डिवाइड किससे करेंगे, यहां पे हम 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12 चौके 48 और 12 पच्चे 60, 4.5 हो जाएगा हमारा। तो यहां पे देखिए सिंपल इंटरेस्ट हमें बताना होगा, तो आपको क्या आप इजीली तरीके से बता सकते हैं, यहां पे ये भी कर सकते हैं कि 24 प्रिंसिपल 2400 इनटू हमारा रेट क्या है, रेट हमारा है 4.5 और हमारा टाइम क्या है 4.5, और यहां पे नीचे में अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 20 से 20 चले जाएगा। और यहां पे देखिए एक मिनट, यहां पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी ना काटते हुए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, देखिए ये पॉइंट को हटाने के लिए हम यहाँ पे 20 बढ़ा लेंगे, तो ये 20 से ये 20 कट जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे हम तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा यहाँ पे 12, ये हो जाएगा यहाँ पे 25 और ये हो जाएगा यहाँ पे 6। अब आगे ये 5 5 5 25 और ये 5 9 हो जाएगा, ये 5 से 9 बार में कट जाएगा, 9 45, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 × 81, मतलब कि 6 6 6 8 6 48, मतलब कि यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा 486 रुपये हमारा आंसर आएगा। तो पूछा गया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है कि कितना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट 2400 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 486 रुपया हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आंसर कितना आ गया, 486। तो ये कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो आप बोलेंगे ए ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। अब यहां पे देखेंगे हम, तो ये एनटीपीसी सीबीटी 2 24/10/2019 में पूछा गया था, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यहां पे दिया है फाइंड द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स एट अ 2 सही 5/3, मतलब ये देखिए ऐसा लिखा हुआ है 2 सही 5/3%, ये है इसका मतलब, यहां पे गैप है तो इसका मतलब ये समझ लेना आप, ठीक है। आगे पर एनम फॉर एन अमाउंट ऑफ आरएस 75,000 रुपए की राशि पर 5 वर्ष की अवधि के लिए 2 सही 5/3% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज की राशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट बताना है, तो आपको पता है कि यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, प्रिंसिपल हमारा 75,000 हो जाएगा इनटू हमारा रेट कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 2 3 6 6 11 11/3 हो जाएगा, तो ये 11/3 यहाँ पे लिख लेंगे, और टाइम कितना दिया है, तो टाइम है यहाँ पे 5 ईयर, बट अपॉन में हम 100 लिखते हैं तो ये 100 आ जाएगा और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा, ठीक है। अब ये 20 से 20 चले जाएगा और ये 3 से कटेगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 × 6 3 × 6 3 × 6 3 × 6 15, मतलब 250, ये हो जाएगा कितना, 250 × हमारा 55, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 13,750 हमारा आंसर हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पे। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है हमारा आंसर, तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन में दिया गया है जो कि करेक्ट आंसर है। ये एनटीपीसी
देखिए कब क्वेश्चन पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 1 21/1/2021 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि हर एक साल में क्वेश्चन पूछा गया है सिंपल इंटरेस्ट से, तो इस बार भी पूछेगा ही इसमें से का, ठीक है। तो ये आपको तो बहुत इजीली अभी सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में ये सब क्वेश्चन, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आए तो। चलिए आएंगे ही क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फ्रॉम 5 फरवरी 2017 टू 19 अप्रैल 2017 फ्रॉम एन अमाउंट ऑफ आरएस 5000 एट द रेट ऑफ 6.25 एनुअल इंटरेस्ट। रुपए की राशि के लिए 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक साधारण ब्याज ज्ञात करें, 6.25 वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपये। अब देखिए यहां पे से देखिए क्या बोला है, 5 फरवरी 2017 19 अप्रैल 2017 फॉर अमाउंट 5000। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, यहां पे दो क्या दिया है, 5 फेब 2017, फिर मार्च छोड़ दिया है, अप्रैल लिया है कितना, 19 अप्रैल 2017। अब इनके 2017 के इनके टोटल नंबर काउंट करने होंगे हमें, तो फरवरी में 28 होता है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। मार्च कितने दिन का होता है, 31 का होता है, अप्रैल का 19 ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल जोड़ के तो यहाँ पे 73 हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या निकल गया यहाँ पे, तो आप बोलेंगे यहाँ पे टाइम निकल गया। तो सिंपल इंटरेस्ट का अगर हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5000 हो जाएगा। रेट हमारा क्या दिया है, 6.25 इंटू टाइम कितना दिया है, 73 कितना में से, 365 दिन में से बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इंटू हम 100 करते हैं, तो इंटू 100 करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ ऊपर में इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो चले जाएगा, ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। और आगे ये 5 बार में 5 से 5 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 625/10, तो 62.5 हमारा आंसर आ जाएगा, 62.5 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा आरएस 62.50 हमारा आंसर होगा, क्योंकि 5 नहीं दिया है। ये देखिए हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 62.50 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही आसान चैप्टर है। और यहाँ पे आपको लेकिन फॉर्मूले याद रहना चाहिए, और यहाँ पे आपको अगर फॉर्मूले याद है तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली इसको आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मूले आपको याद करना बहुत जरूरी है। चलिए तो हमारा हमारा आंसर निकलेगा 62.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर एन अमाउंट ऑफ आरएस 2500 एट 8.25% पर एनम फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 मार्च 2018 टू 12 मई 2018। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोला है, रुपए की राशि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, हमें यहाँ पे भी सिंपल इंटरेस्ट बताना है, 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए 2500 प्रति वर्ष, तो 8.4% की दर क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मार्च 2018 से लेके मार्च, ये अप्रैल और यहाँ पे मई, कितना मई से, 12 मई से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी 2018, ये भी 2018। अब टोटल दिन हम काउंट कर लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हम 1 मार्च मतलब कि 31 ले सकते हैं, यहाँ पे अप्रैल है 2018 तो ये 30 ले सकते हैं, और ये हमारा 12 से तो 12 ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 और ये हो जाएगा 73, मतलब कि हमारा टाइम जो है 73 निकला। तो 73 डेज जो है वो किससे हम करेंगे, 365 दिन में से करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2500 इंटू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 8 से 8 चौका 32, 33/4 हो जाएगा,
इनटू हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 73 बट्टे हमारा 365 हो जाएगा, 365 डेज में से तीन, और यहां पे हमारा 100 इनटू हमारा 100 हो जाएगा। तो देखिए यहां पे कट कर देंगे हम, तो ये 73 से कितना, 5 बार में कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, और कुछ से कट रहा है, और ये हमारा कट जाएगा 5 से, तो और क्या बच गया हमारा, 5 तीन 15 एक 16 बट्टे हमारा 4, तो ये हो जाएगा कितना, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 पॉइंट 4 दूनी 8 और ये 4 5 20, मतलब कि 41.25 हमारा आंसर आएगा, 41.25 हमारा आंसर आएगा। देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है, ये कहाँ पूछा गया है, एनटीपीसी सीवीटी 1/4/3/2021 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि नहीं है, आपको फॉर्मूले पता रहना चाहिए। इसमें से देखिए प्रिंसिपल कौन सा है, ये आपको तो समझ में आ जाएगा पढ़ के ही, रेट आपको इजीली पता चल जाएगा, टाइम आपको टाइम दिया रहेगा, तो ये तीनों चीजें अगर आपको निकालने आ गया तो आप फॉर्मूले आपको याद है तो आपको कोई भी ये क्वेश्चन में आपको नहीं रोक सकता है, सेकेंडों में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहां पे क्या दिया है, व्हाट सम विल इल आरएस 491.68 एज अ सिंपल इंटरेस्ट, ये है हमारा क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, एज सिंपल इंटरेस्ट एट रेट जो है 8% रेट दिया हुआ है, और पर एनम फॉर 1 year and 2 months, टाइम कितना दिया है, 1 year 2 months, कितनी राशि प्राप्त होगी 1 वर्ष 2 महीने के लिए अगर 8% प्रति वर्ष के दर से साधारण ब्याज का रूप में रुपए में 491.68 रुपए में दिया हो। तो देखिए यहाँ पे हमारे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो आप बोलेंगे यहाँ पे हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट दिया है 491.68 दिया हुआ है इज इक्वल टू प्रिंसिपल, हमारा प्रिंसिपल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रिंसिपल हमारा निकालना है, यहाँ पे राशि बताना है, तो P इंटू और रेट कितना दिया है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 8%, तो 8 इंटू और आगे क्या है हमारा, हाँ टाइम दिया हुआ है, देखिए 1 year 2 months, देखिए इसको निकालने आप लोगों को आना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे स्टूडेंट बहुत सारी गलतियां करते हैं कि यही चीज है, टाइम ही निकालने नहीं आता है, तो ऐसे ऐसे टाइम दिया रहेगा, तो एक मंथ में 12 months होता है, एक ईयर में 12 months होता है, तो 12 months ये हो गया और 2 months ये हो गया, तो 14 months हो गया, कितने मंथ में से, 12 months में से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 14/12 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा अपॉन 100 हम लिखते हैं जो कि फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। ठीक है, तो यहां पे देखेंगे हम कि इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, P इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट लिख लेंगे, P इज इक्वल टू 491.68 इंटू हमारा 8 यहां पे आ जाएगा, नहीं यहां पे हमारा 12 आ जाएगा, अपॉन में आएगा यहां पे 8 इंटू 14, जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, जो नीचे है ऊपर चला जाएगा, समझ में आ गया, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, ये तो हमारे 10th का 8th क्लास का ये सब क्वेश्चन ये वाला है इस टॉपिक के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 8 से कट कर लेंगे, 8 छक्के 48, यहाँ पे 8 छक्के 48, फिर यहाँ पे 8 एक 8, यहाँ पे बच गया कितना 3 3 6 8 चौके 32 और यहाँ पे हो जाएगा 8 छक्के 48, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ये 6 बार में, ये 7 बार में, तो ये कट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक्के 36, हाथ में 3 6 चौके 24 और 3 27, और हमारा 2 बज गया, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 6 छक्के 36, और इसको 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 7 चौके 28 7 5 35 35 और 7 2 14, तो ये हो गया हमारा 5 बार में कट गया, 7 5 35 7 2 14 7 6 42 और 7
आठ सत्य 56, मतलब कि 8, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 5000। प्रिंसिपल जो मिलेगा हमारा 5268 हमारा आंसर आएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो आप बोलेंगे देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया गया है 5268। ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आरआरबी एएलपी एनटेक 29/8/2018 में पूछा गया है, शिफ्ट 3 का क्वेश्चन ये पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये फॉर्मूले के हिसाब से ये सब आपको फॉर्मूले बता दिया। अब तो एक एक चीज नहीं कि आपको प्रिंसिपल निकालू अलग से, सब कुछ अलग अलग करके दू, ये तो आपको इजीली समझ में आता ही होगा, इतना तो करना नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल आपको समझ में, सिंपल इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, टाइम आपको समझ में आ रहा है, रेट समझ में आ ही रहा है, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे दिया है सम ऑफ आरएस 7500 अमाउंट टू आर एस 11,780 एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यहां पर हमें अभी किसका फाइंड आउट करना है, रेट फाइंड आउट करना है। क्या बोला है, रुपए की राशि राशि 7,500 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 8 वर्षों में 11,700 रुपए प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहां पे समझिए यहां पे कि यहां पे हमारा क्या दिया है, तो आप बोलेंगे अमाउंट दिया हुआ है और यहां पे हमारा क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। ठीक है, और यहां पे देखेंगे 8 ईयर हमारा टाइम दिया हुआ है। अब इसको कैसे निकालना है, तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है। तो यहां पे हमारा 8 ईयर का जो है हमारा, तो कितना है यहाँ पे 11,700 है, और यहाँ पे हम माइनस करेंगे प्रिंसिपल को, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा जीरो, सात में से 5 गया, 2 बच गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हमारा 7 गया 11 में से, तो कितना बच गया, 4। अब यहाँ पे देखिए 4,200 बच गया, तो यहाँ पे हमारा 8 ईयर का जो है सिंपल इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट जो है 8 ईयर का, हमें 1 ईयर का निकालना है, तो यहाँ पे हमारा क्या करेंगे, 4200 से हम 8 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना होगा, 8, 8 चौके 32, 8 5 40, 8 5 40, 8 5 40, 8 2 16 और 8 5 40, मतलब कि 525 हमारा 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकला। ठीक है, अब हमें बताना क्या है, रेट बताना है। हमारा ये 1 ईयर का जो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, रेट अगर निकालना हो तो रेट का फॉर्मूला क्या करते हैं कि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 525 इंटू हमारा क्या है, 100, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, रेट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था। अब यहाँ पे क्या आएगा, आर है तो यहाँ पे पी इंटू टी आएगा, तो प्रिंसिपल कितना है हमारा, 7500 है। ठीक है, टाइम हमारा कितना है, 1 ईयर का निकालना है, तो 1 ईयर। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे हम, ये 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये 75 से कितना बार में गया, ये 75 जो है 525 को काटने के लिए कितना बार में कटेगा, तो 7 बार में कटेगा, तो रेट जो है हमारा 7% आएगा। तो यहां पे देखेंगे हमारा ये ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये कहां पूछा गया, एनटीपीसी CBT 2 15/6/2022 का शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग, तो अभी उम्मीद है कि आप लोग इसे क्वेश्चन को आप लोग बहुत ही सेकंडों में सॉल्व कर लेंगे। आपको क्या करना है यहाँ पे, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि गिवन क्या दिया है, पूछा क्या है, और आपको फॉर्मूले याद रहना चाहिए, फिर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटने वाला है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए यहाँ पे दिया है सम ऑफ आर एस 25,000 अमाउंट ऑफ आर एस 31,500 इन 4 ईयर एट द सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे भी हमारा रेट पूछा है, रुपए की राशि राशि 25,000 रुपए साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों में 31,500 रुपए ब्याज दर क्या है। तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल दिया है, ये टाइम दिया है, हमें क्या रेट जो है हमें बताना है।
यहां पे आप क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अगर ये दोनों दिया है तो। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अमाउंट कितना दिया है 31,500 दिया है और प्रिंसिपल हमारा 25,000 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 6,500 सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो अभी क्या करना है हमें, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट दिया है 6,500 दिया है, इसका फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 25,000 प्रिंसिपल दिया है इंटू हमारा रेट, हमारा नहीं दिया है रेट बताना है, टाइम कितना दिया है, टाइम हमारा 4 ईयर दिया है, बट्टे में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगा, यहाँ पे बच गए कितना 6,500 इज इक्वल टू 2,500 से 4 बार तो करेंगे तो 1,000 रेट आ जाएगा। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएगा और रेट हमारा कितना आएगा 65 से, अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो 6.5% हमारा रेट आ जाएगा। तो ये देखिए ये हमारा रेट आ गया। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, आपको पता है कि यहाँ पे दिमाग कैसे काम करवाना है, फॉर्मूले आपको अच्छे से याद रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे अमाउंट दिया है, यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट अगर हमें पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूले में पूछेगा ही है, तो एक रेट तो नहीं दिया है तो रेट ही हमें बताना है, आपको इतना तो समझ गया कि रेट दिया हुआ है मतलब नहीं दिया है तो रेट हमें बताना है। तो यहां से हमारा सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना होगा, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करते हैं, तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल लिया हमने, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 25,000, तो 25,000 रेट हमारा बताना है तो रेट हमारा एज इट इज रहेगा, इंटू हमारा टाइम दिया है 4 ईयर और अपॉन में हमारा 100, फॉर्मूले के हिसाब से रखे। यहाँ पे देखिए कि हमने क्या किया, कट कर लिए और ये 250 इंटू 4 किए तो 1000 आर आ गया, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो चले गया, आर से 65 अपॉन 10 आ गया, तो 62 इसे डिवाइड करेंगे तो 6.5 हमारा आंसर आएगा। तो 6.5 हमारा ए ऑप्शन में दिया है और ये क्वेश्चन कब पूछा गया है, तो आप देखिए यहाँ पे NTPC CVT 1 4/3/2021 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो आसान है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दिया है यहाँ पे, 875 इन्वेस्टेड फॉर 3 मंथ्स इनक्योर्ड RS 21। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा प्रिंसिपल दिया है और ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, एज इंटरेस्ट फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पेड ईयर। यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे हमारा टाइम दिया हुआ है, हमें बताना क्या है, रेट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि आपको पता है कि यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, 3 मंथ्स दिया है, मतलब कि टाइम 3 मंथ्स दिया है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3/12, मतलब कि यहाँ पे 1/4 भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 21 दिया है, इज इक्वल टू हमारा प्रिंसिपल 875 दिया है इंटू हमारा रेट फाइंड आउट करना है, टाइम दिया है 1/4 और यहाँ पे हमारा अपॉन में 100 आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 25 चौके आ जाएगा, ये 25 चौके 100 और ये 35 बार में आएगा 875 और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 21 × 4 × 4 हमारा रेट बताना है, तो ये आ जाएगा इधर, ये नीचे वाला ऊपर चले जाएगा और नीचे में आ जाएगा 35 × 1, तो ये देखेंगे हम कितना आएगा हमारा, तो यहाँ पे आ जाएगा 21 × 16/35, मतलब कि 336 × 16 336/35, मतलब कि 35 9 बार में 9.6 हमारा आंसर आ जाएगा, 9.6। देखिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन में दिया है जो कि करेक्ट आंसर है। ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रुप डी 1/10/2018 शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आया कि नहीं आ गया, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसानी टाइप से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। समझ में आ गया, चलिए यहाँ पे आपको गिवन समझ में आ ही रहा है, फॉर्मूले आपको याद हो ही गए, एक फॉर्मूले अगर आपको याद है तो आपको सभी फॉर्मूले याद है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहां पे हमारा रेट जो है 9.6 हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे, विनीत इन्वेस्टेड आरएस 4860 एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ आरएस 5832 आफ्टर 2 ईयर। इफ ही हैज इन्वेस्टेड इन सिंपल इंटरेस्ट देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। विनीत ने रुपए का निवेश किया 4860 और रुपए की राशि प्राप्त की 2 साल बाद कितना 5832 रुपए। तो यदि उसने साधारण ब्याज में निवेश किया तो दर या ब्याज ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल कितना दिया है, तो यहाँ पे बोलेंगे 8860। यहाँ पे हमारा अमाउंट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 ईयर टाइम दिया हुआ है, हमें क्या बताना है यहाँ पे फाइंड द रेट, रेट हमें बताना है, ठीक है। ये हमारा टाइम दिया हुआ है, तो आपको तो यही समझ में आ जाता होगा क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट हमें पता होना चाहिए कितना है। तो आप बोलेंगे यहाँ पे 5832 माइनस ये अमाउंट से माइनस प्रिंसिपल करते हैं तो 4860, तो यहाँ पे हो जाएगा 972 हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, 972 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है 4860 इंटू रेट हमें बताना है, टाइम हमारे पास 2 है और यहाँ पे अपॉन में 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 से 10 चले गया। अब यहाँ पे देखेंगे हम, तो ये हो जाएगा कितना हमारा रेट के हिसाब से, तो ये हो जाएगा 972 इंटू हमारा 10 बट्टे में आ जाएगा 486 इंटू 2, 2 से ये 5 बार में चले जाएगा, ये 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 97.2। तो अब इससे काटेंगे इसको तो ये हो जाएगा हमारा कितना 10 बार में, तो 10% रेट जो आएगा हमारा 10% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10%, ये देखिए यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन में दिया है। और ये कहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएफ कॉन्स्टेबल आर 18/1/2019 शिफ्ट 2 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आरएस 800 बिकम आरएस 956 इन 3 ईयर। इफ देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, इफ द प्रिंसिपल बिकम द आरएस 1052 इन द सेम पीरियड व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर रुपए 800 रुपए बन जाते हैं, 3 साल में 956 रुपए, यदि यह मूलधन रुपए समान अवधि में 1052 रुपए होने पर ब्याज दर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। समझिए पहले 800 था, उसके बाद 3 साल में कितना हो गया, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 956, ये 3 ईयर्स में। फिर ये देखा गया कि ये 1052 मतलब कि ये भी 3 ईयर्स में, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया, तो आप बोलेंगे यहाँ पे 91 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। अब ये कितना डिफरेंस हो गया, तो 96 का डिफरेंस हो गया, 96 कितने ईयर में, 3 ईयर्स में, तो कितना हो जाएगा 96/3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 से कटेगा तो 3×3=9 और 3×2=6, तो 1 ईयर में कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 96 और यहाँ पे हमारा 1 ईयर का निकलेगा तो 96/3 तो 3×3=9 तो यहाँ पे हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो आ गया हमारा, नहीं 1 ईयर का जो है हमारा इंटरेस्ट वो कितना आ गया 32 आ गया। अब रेट हमें बताना है तो रेट कितना हो जाएगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, रेट अगर बताना है तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 32 आ गया, तो 32 इंटू हमारा 100 हो जाता है और यहाँ पे पी और इंटू टी हो जाएगा, तो पी प्रिंसिपल हमारा कितना है 800 है इंटू हमारा टाइम टाइम कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा कितना 2×0=2 8×32 मतलब कि 4% का जो है रेट हमारा आंसर आ जाएगा। तो रेट कितना आ जाएगा, कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो हमारा 4% की वृद्धि हो गई। तो ये आपका क्वेश्चन कितना 4% बी ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि करेक्ट आंसर है। ये कहाँ पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे NTPC CBT 1
16/4/2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, शिफ्ट दो में ये क्वेश्चन आया हुआ था। समझ में आया कि नहीं आ गया? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर एट व्हाट परसेंट पर एनम इंटरेस्ट रेट विल बी इक्वल टू 3/4 ऑफ द अमाउंट इन्वेस्ट। 15 वर्षों के लिए निवेश की गई किसी धनराशि पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज निवेश की गई धनराशि के 3/4 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में देखिए टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 15 ईयर्स, और यहाँ पे 3/4 मीन्स क्या हो गया, ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। बताना क्या है हमें, रेट। तो देखिए यहाँ पे रेट बताना है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल, सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 3 है, इज इक्वल टू प्रिंसिपल हमारा कितना है 4 है, इनटू रेट हमारा नहीं दिया गया है, टाइम है हमारे पास 15, अपॉन में कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 25/4 और ये हो जाएगा 15 × 3 = 45 और नहीं 5 × 3 = 15 और 5 = 25, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो आप बोलेंगे 5 × 3 = 15 इज इक्वल टू 3R हो जाएगा, और ये 3 × 5 = 15 मतलब कि R इज इक्वल टू 5 हमारा 5% हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5% देखिए सी ऑप्शन में आंसर दिया है जो कि करेक्ट है। NTPC CBT 1 16/1/2021 का ये क्वेश्चन पूछा गया, शिफ्ट 1 में ये पूछा गया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आसान है ये क्वेश्चन। चलिए तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सिंपल इंटरेस्ट समझ में आया होगा। अभी मुझे नहीं लगता कि आपको ये इसमें कोई भी कन्फ्यूजन होगा, बेसिक सी चीज़ें मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया हो, फॉर्मूले आपको याद रहना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन आप लोग एक भी एग्जाम में नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।